पिंडी सिंचा शहर में निजी अस्पतालों द्वारा कोरोना के मरीजों की लूट खुलेआम की जा रही है। ऐसे अस्पतालों पर न ही प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और न ही इन अस्पतालों को किसी का खौफ है। पिंडी सिंचा शहर के आकोड़ी इलाके में स्थित स्टार हॉस्पिटल द्वारा कोरोना मरीज की लूट का फिर से एक नया मामला सामने आया है। कोरोना मरीज की मौत के बाद भी अस्पताल कर्मियों ने 3 दिन तक शव को ICU में इलाज देकर लाखों का बिल निकाला है। इस घटना के बारे में मुस्तफा अब्दुल गफ्फार तंबोली ने निगड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अमित वाघ और कैशियर के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी तंबोली की मां मुमताज अब्दुल गफ्फार तंबोली को कोरोना के लक्षणों का अनुभव होने के बाद इलाज के लिए आकोड़ी के स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस बीच उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें ICU में स्थानांतरित किया गया। इलाज के दौरान तंबोली की मां की 24 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे मौत हो गई। तंबोली की मां को 24 अगस्त को रात 10 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। फिर भी अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के बिल में 25 अगस्त तक का बिल बना दिया। एक अज्ञात व्यक्ति जिसने अपने स्वयं के वित्तीय लाभ के लिए बिल बनाकर पैसे स्वीकार किए, साथ ही वेंटिलेटर के लिए 9,000 रुपए का अतिरिक्त बिल स्वीकार किया। मृतक परिजन ने आखिरकार अस्पताल कर्मी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन और पालिका प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल एक तकरारदार ने तकरार दी थी। उनके तकरार के मुताबिक अपन ने ज़्यादा बिल उनके लिया, इसी मुताबिक गुना दाखिल किए वाला है। गुना दाखिल करने के बाद उसकी इंक्वायरी चालू है, उनका तपस चालू है। ब्यूरो रिपोर्ट VSRS न्यूज़।